भाई लोग, क्या हाल है सबके। जैसे कि आपको पता है, मेरे ब्रदर इन लॉ सहज की मैरिज आने वाली है। कैसे पता होगा आपको जब मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो सिर्फ थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना। तो 10th of September की मैरिज है उसकी, सहज की। एंड हम अभी आए हुए हैं घंटाघर। काफी सारी हमने शॉपिंग करनी थी यहाँ से, सहरा लेना था एंड वागे लेनी थी। जिन लोगों को नहीं पता वागे के होती है घोड़ी, घोड़ी के साथ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो हम बांधा, मतलब बहने जो होती है वो बांधती है वागे, मतलब एक तरीके से धागा होता है वो, एंड वो शुभ माना जाता है। तो वो लेनी थी एंड कल की लेनी थी। तो काफी सारा सामान हमने अभी लेना है, तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ। दुकान काफी बड़ी है, आपको आप अभी देखोगे सारा। वो सारी चीजें हम लेने के लिए आ गए हैं। यानी जो शॉप है लोकेटेड है कमला नगर घंटाघर में, सामने से मैंने आपको दिखाई दिया है लास्ट वाली क्लिप में। बहुत ही बढ़िया दुकान है। सबसे पहले हमने यहाँ पे निकलवाए सहरे एंड कलगी। भाई क्या वैरायटी थी इनके पास सहरों की। ये जो सहरा आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये हमने फाइनलाइज करा सहज के लिए, कि यही हमने सबसे बेस्ट लगा। उसके अलावा भी बहुत जबरदस्त वैरायटी थी यहाँ पे। आपको पूजा से रिलेटेड सारी सामग्री मिल जाएगी, जैसे आप सामने देख रहे हो लड्डू गोपाल, उनकी ड्रेसेस, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो भाई सहरे की शॉपिंग अपनी कंप्लीट हो गई है एंड अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। ये जो ब्लॉग है, मतलब जितनी मैं क्लिप्स निकाल रहा हूँ अभी, ये सारी मैं एक ही ब्लॉग में डालूंगा। जितना भी एंगेजमेंट का हम शूट करेंगे वो सारा एक ही ब्लॉग में आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली दो ब्लॉग में हमारी पूरी शादी निपट जाएगी। चलते हैं अब गाड़ी की तरफ, वापस चलते हैं घर एंड आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि हम प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते हैं जो हम परफॉर्म करने वाले हैं एंगेजमेंट पे। मैं तो कह रहा हूँ पलक को करा देते सारे गानों में डांस। पलक को तो हर गाने में रख लो, मैं कह रही हूँ बीच में खड़ी हो, ये भी ऐसे करते हो। अरे आप एक काम करना ना, आप सामने से इशारे देते रहना। क्या कर रहे हो? The next day. तो गाइज, जैसे आपको पता है कि मेरे घर में एंगेजमेंट है मेरे ब्रदर की, और हम लोग नेल आर्ट कराने आए हैं बिकॉज कल एंगेजमेंट है। तो आज तो नेल आर्ट कराना बनता है। मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा होगा गाइज, प्लीज़ इग्नोर दैट, बिकॉज हम सुबह से काम ही कर रहे हैं, इधर उधर भागा दौड़ी। आपको पता है शादी वाला घर तो होती होती है, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। और आइए देखते हैं हम लोग नेल आर्ट कहाँ से कराते हैं। हम डेरावाल नेल आर्ट है, नेल आर्ट में है मीना मेकअप आर्टिस्ट से, उनसे कराने आए हैं। उनका बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी करवा सकते हैं यहाँ आके। लेट्स सी, ये चल रहा है इनका ऑफर, अंदर चल के देखते हैं हम। इनका स्टूडियो है। जय गुरु जी, मेरी मम्मी। सृष्टि सहगल डिज़ाइन से ली थी बानी ने अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस। इनके जो स्टोर का इंस्टाग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे घर वापस। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपने लास्ट क्लिप्स में देखा हमने कैसे प्रैक्टिस करी एंड टुडे इज द एंगेजमेंट डे। आज हम अभी जा रहे हैं कुछ अपने सामान जो शगुन का देना है वो लेने के लिए जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको क्या सब लेते हैं। इट्स अ बिग डे टुडे, एंगेजमेंट डे है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन करने वाले हैं, दिखाएंगे आपको पूरा दिन क्या करते हैं हम। तो जी हम आ गए हैं अभी मनोहर फ्रूट्स कमला नगर अपनी फ्रूट बास्केट्स बनवाने, जो हमने आज देनी है शगुन में। एंड बहुत ही पुरानी शॉप है यहाँ पे कमला नगर की। आप अब देखोगे कैसे बनेंगे हमारी बास्केट्स एंड बने रहना आज पूरा दिन। मैं भी इसके बाद शायद हम जाएंगे मिठाई के डब्बे लेने के लिए, वो दिखाऊंगा आज कैसे दिनचर्या रहती है अपनी। तो जी आपने बास्केट्स तो देख ली, कितनी क्यूट सी पैक हुई हैं। अब हम आ गए हैं बीकानेर वाला अपने डब्बे पैक कराने के लिए।
तो भाई जैसे ही अंदर एंटर हुए, एक मिठाई एक्सप्लोर करते करते देखी सबसे महंगी मिठाई यहाँ की, जो कि थी काजू कचूर 1600 रुपए किलो। तो भाई हम निपटा रहे थे मार्केट के काम एंड पीछे से हमारी मैम ले रही थी प्रॉपर हेयर स्पा। ठीक है यार, भाई की शादी है इतना तो बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हो अनमोल को जिसने फेस पैक लगाया हुआ है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे एंड दिस इज हाउ वी गॉट रेडी। सिनेमैटिक्स मैं अभी डाल ही रहा हूँ, आप देख लोगे, ये इसके बाद डालूंगा इसके पहले, बट सिनेमैटिक्स डाल दूंगा मैं। दिस इज हाउ वी गॉट रेडी एंड दिखाता हूँ आपको अंदर चल के, बहुत ही बढ़िया बैंक्वेट है। अभी ग्रूम साइड से सिर्फ हम ही आए हैं, अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगे तो हो सकेगा सबसे मिलवाऊंगा आपको। सहज अभी आने वाला है, हम पहले पहुँच गए हैं, तो चलते हैं अंदर फिर उसके बाद बाली को बोलूंगा मेरा भी सूट एक बार सबको दिखा देगी। हेलो कर दो, ये मेरी चाची है, ये मेरी मम्मी है। चाचा मम्मी का फुल लुक देख लो, मैं अपनी फेवरेट हूँ। चाचा ने अभी कोट नहीं पहना, पहन के दिखाएंगे फुल लुक। ये विशाल का फुल लुक देख लो, ये फुल लुक ऊपर चल रहा है ना, क्यों खड़े हो? और दूल्हे को भी बाद में दिखाएंगे, वो रेडी नहीं हुआ है। भाई साहब ये देखो जरा, ओपन एयर सेटिंग है यहाँ पे हमारे वेन्यू पे, कितना सेक्सी सेटिंग बनाया हुआ है। यहाँ से अपनी एंट्रेंस, यहाँ से एंट्री होगी ब्राइड और ग्रूम की। और वो है सामने अपना स्टेज। एक बार सहज का पूरा लुक दिखाता हूँ आपको। चलो जी, वही सबके आने से पहले एक बार आपको मेन्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ फुर्सत ही नहीं होगी, भीड़ इतनी लगेगी। सबसे पहले वी हैव आलू टिक्की, देन वी हैव बेबी चीला, उसके बाद वी हैव दही बल्ला, ये हमारा दही बल्ले का काउंटर, देन वी हैव गोलगप्पे, एंड देन वी हैव द सूप काउंटर। ये रहा हमारा डीजे का एरिया, दिस इज हाउ दी होल वेन्यू लुक्स लाइक। क्या है, हमारे बड़े बड़े लोग इंग्लैंड से, मिल लो मामी जी से, मामी जी भी आ गई है। लास्ट क्लिप में देखा आपने मामी जी, तो ये अगम है मामी जी के बेटा जो इंग्लैंड चले गए थे, अब आ गए हैं शादी के लिए। ये ईशु है, एनी उनके हस्बैंड है। सारे एक बार आए बोल दो अपनी पब्लिक को। अब जैसे जैसे सब आएंगे आपको मिलवाता रहूँगा। तो यार जैसे लड़के वाले एंटर हुए, यहाँ पे स्टार्ट हो गई शगुन की रस्में। भाई सारे एंजॉय कर रहे थे रस्मों को फुल, यहाँ पे देख रहे हो मैक मैं हम सब एंजॉय कर रहे थे स्टेज पे, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से रस्में जो थी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके जस्ट बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी ब्राइड की। शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड सैज इनको रिसीव करने जाता है एक जेंटलमैन की तरह। यहाँ पे भाई रेड कार्पेट बिछ चुका है आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ गई है दोनों को, एंड पूरी एंट्री लेते हुए दोनों एंटर कर जाते हैं स्टेज पे। भाई ये एक ऐसा दिन होता है जब आपके आसपास फोटोग्राफर्स एंड प्रॉपर सेलिब्रिटी वाली फील आती है। इसके जस्ट बाद था हमारा रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम। तो जिस स्टेज पे एंटर होते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है रिंग सेरेमनी, बट ऑब्वियसली रिंग्स एक्सचेंज करने से पहले प्रॉपर इनकी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज वगैरह निकाल रहा था यहाँ पे फोटोग्राफर। अब भाई देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, वो तो हमें देखने के लिए मिलेगा ही। एंड रिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल। उसके जस्ट बाद थी यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी, एंड केक वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल थैंक्स टू पलक जिसने एंड टाइम पे केक को अरेंज करा। उसके यहाँ पे बात जस्ट हो जाती है हमारी केक कटिंग। भाई केक कटिंग के टाइम पे बहुत मजे करे सबने, बहुत बढ़िया केक था। ऑल दो हम खा नहीं पाए ऑब्वियसली यार, कौन खावा था अपने फंक्शंस पे, बट इट वॉज वेरी गुड। उसके बाद थी एक सरप्राइज परफॉर्मेंस विच इवन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, एंड ये दोनों भी कहाँ से प्रिपेयर्ड होंगे। सडनली डीजे ने यहाँ पे गाना प्ले कर दिया दिल दिया गल्ला, एंड दोनों ने केमिस्ट्री दिखाते हुए ऑन द स्पॉट बहुत ही बढ़िया डांस करा। ठीक इसके बाद थी हमारी फैमिली परफॉर्मेंसेज। तो ड्यू टू कॉपीराइट रीजन आपको गाने तो नहीं यहाँ पे प्ले करके दिखा पाऊंगा, बट इफ यू लाइक दी परफॉर्मेंस तो डू ड्रॉप अ कमेंट एंड डू लाइक द वीडियो।
तो जी ये स्टार्ट हो गई है हमारी परफॉर्मेंस मूनलाइट पे। भाई आई एम वेरी बैड एट डांसिंग, तो वानी ने बहुत मेहनत करके मेरे को कुछ ना कुछ स्टेप्स सिखा के यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये हमारी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटे। ऑल दो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, बट एज पर दी फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। इसके बाद वाली परफॉर्मेंस इन्जॉय करो भाई अब। तो यार यहाँ पे चाचा और मम्मी परफॉर्म कर रहे थे काला डोरे। यहाँ पे भाई ऑपरेटर रीजन की वजह से मैं आगे दिन आपको बता रहा हूँ कि प्ले नहीं कर पाऊंगा, बट परफॉर्मेंस को एंजॉय करो। इनके आगे ठुमके चेक करना जरा चाचा के। तो जी ये हमारे कोहली मामा हमारे ऑफिस क्लीग्स के साथ फुल एंजॉय करते हुए, मामा ने फुल मजे करे। मामा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मामी के साथ बैठ के मत देखना, इनकी पूरी फैमिली से आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलवाने वाले। मामा को बोल दो हम भी पार्टी में आए भाई। इसको देख मन नहीं लग रहा यार मेरे उनके बिना यार। हाँ चलो आपका मुँह आओ खिंचाई कर। मैं क्या कर रहा हूँ, तू मेरे दिन पहले है उसके बाद ही है, लेकिन तेरे दोस्त है तो मेरा फर्स्ट बनता है पार्टी में। ये सारे अपने जिले में खेल रहे हैं, जिले के खेल रहा हूँ बोल लियो, इनका जिले का खेल रहा हूँ मैं। तो ठीक है यार एंड करते हैं अपने इसी ब्लॉग को एंगेजमेंट वाले यहीं पे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड कल से आपको दिखाएंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। 8th ऑफ सितंबर से स्टार्ट करेंगे अपने फ्रेश ब्लॉग को। मिलते हैं दोबारा, सायो नारा।